स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे एक्शन कैम के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो एक्शन कैम का आइडिया क्या है ये समझते हैं पहले। तो आइडिया आपको बस ये समझना है, हर कोई एक्शन के अंदर होना चाहता है ना कि बाहर से देखना चाहता है। कोई स्काई डाइविंग कर रहा है या पैराशूटिंग कर रहा है, आप उसको नीचे से देखोगे कुछ समझ भी नहीं है, आप देखना चाहते हैं कि उसे कैसा दिख रहा है। इसे हम लोग कहते हैं एक्शन इमर्जन। तो इस तरह के फुटेज आपको मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि आप वहाँ हों, पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहा जाता है। POV करने के लिए एक्शन कैम्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा, इसको छोटा होना चाहिए। बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए ऐसे बड़ा करके पहले हॉलीवुड ऐसा इस्तेमाल करता है तो आप समझ सकते हैं कितना झंझट होगा इसको यूज़ करने में। तो इसका छोटा होना ज़रूरी है और इसका रगेड होना, रगेड होने का मतलब आप बस ये समझिए कि कुछ हद तक ये डैमेज बर्दाश्त कर सकता है। जैसे इसका गिरना, मान लीजिए आप इस ऊंचाई से गिरा दिए, बच जाएगा कि नहीं, क्या ये मतलब थोड़ा सा बारिश होने लगा तो बच जाएगा कि नहीं, क्या ये पानी में गिर गया, मान लीजिए स्विमिंग पूल में गिर गया तो बचेगा कि नहीं। रगेड का बस यही मतलब होता है कि कितना देर तक कितना हाई क्वालिटी का स्ट्रेन ये बर्दाश्त कर सकता है। जैसे हर कैमरे की रेटिंग होती है, कोई भी कैमरा अनडिस्ट्रक्टेबल नहीं होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते एक कैमरा जो लिखा है 10 मीटर का रेटिंग आप स्विमिंग पूल में आराम से चलाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समुद्र में डीप डाइविंग करने चले गए तो कैमरा बोल देगा भैया क्षमा करो। तो इसलिए रगेड हर चीज़ का एक रेटिंग होती है, वो आप देखोगे आपको अपने समझ में लिखा रहता है क्लियर कट कि ये 2 मीटर का ड्रॉप बर्दाश्त कर सकता है, ये 10 मीटर पानी में जा सकते हो। रगेड कैमरा हम लोग चाह रहे हैं, चलो सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये खरीद ही नहीं पाए तो फ़ायदा क्या है। इसलिए चीप होना इसका बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे इसके ज़रूरत है, नीड आप समझिए आइडिया क्या है। तो आइए हम बात करते हैं ट्रेंड सेटर के बारे में, यानी GoPro, जिसने ये सारी चीज़ को पब्लिक कॉन्शियस में ले आया। तो GoPro एक सर्फर ने बनाया है कंपनी, मतलब वो सर्फिंग प्रोफेशनली नहीं करते थे लेकिन सर्फिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, तभी उनको ये आइडिया कि प्रोफेशनल सर्फर और नॉर्मल सर्फर के बीच में अंतर ये था कि नॉर्मल सर्फर के फोटोज़ नहीं होते थे अच्छे, कोई दूर से खींच रहा है कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफी में काफ़ी मेहनत किया जाता है ताकि लगे कि आप सर्फर की जगह से फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल फील लाने के लिए उन्होंने कैमरा का आइडिया लिया। आइडिया ये था कि डिस्पोजेबल कैमरा लेंगे, फिल्म कैमरा, हाँ एक फिल्म कैमरा लेंगे जो आप यहाँ देख सकते हैं, और इसको एक केस बनाएंगे। केस ये खुद बनाते थे कि कैमरा इन्होंने खरीदा मार्केट से, केस बनाया जो कि वाटरप्रूफ रहे और उसको ऐसा इतना स्ट्रांग बनाए कि थोड़ा सा गिरे पड़े तो टूट फूट ना जाए बात बात पे, और वाटर को बचा के रखे, वाटर से बचा के रखे। तो ये दो आइडिया इन्होंने सिंपल लिया कि भैया कैमरा एक सिंपल बनाते हैं और केसिंग एकदम जितनी सॉलिड हो सकती है बनाते हैं। तो ये इनका आइडिया चल निकला कि भैया कैमरा तो आप कहीं से भी खरीद लीजिए, आप उसको केस में डाल दीजिए। बाद में ये लोग खुद से ही कैमरा भी बनाने लगे, केस भी बनाने लगे। अब आगे चल के 2006 में इन्होंने डिजिटल कैमरा पे हाथ रखा, और उस टाइम का डिजिटल कैमरा बड़ा ही बेसिक था, ये समझिए कि 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी था, और उसके बाद उन्होंने AA बैटरी डाल के 2-3 मिनट तक का किया, बाद में मेमोरी कार्ड डाले, काफ़ी मेहनत किया। मतलब ऐसा नहीं कि 2006 में जो कैमरा आया वही फुल HD 36 था, बहुत मेहनत के बाद ही ये कैमरा फाइनली जो आज हम लोग GoPro ब्लैक मैजिक, GoPro 5, 4 ये सब पे जो जान रही है, काफ़ी इटरेशन और काफ़ी प्रोग्रेस के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये इनका बहुत ही यूनिक एडवांटेज था क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, तो ये इन्हें बहुत अच्छा मार्केट फीडबैक मिला और इन्हें सब समझ में आ गया पब्लिक को एक्चुअली चाहिए क्या, कैसे करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा रेपुटेशन बना लिया है मार्केट में। तो मार्केट में GoPro का नाम है, मतलब एक्शन कैमरा, एक्शन कैमरा आप बोलिए लोग समझेंगे GoPro। लेकिन सब चीज़ अच्छा इनके लिए नहीं है क्योंकि रिसेंटली ये लोग काफ़ी सीरियस लॉस में चल रहे हैं फाइनेंशियली, मतलब इनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में गिरे जा रही है, और 2016 से इन्होंने बहुत सीरियस लॉस पे लॉस उठाए जा रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने काफ़ी लोगों को जॉब से भी छुटवा दिया, और ये बहुत सारे रीज़न है इसका होने का, लेकिन GoPro अभी बहुत अच्छे से नहीं चल रहे, शायद वो रिकवर कर जाए, शायद वो ख़त्म हो जाए, नहीं पता, तो इनके बारे में कुछ समझना पड़ेगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको GoPro कोई और कंपनी बेचे। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ GoPro ही है जो ये बनाता है, GoPro ने इसको पॉपुलराइज किया, उसके बाद बाकी सारी कंपनी कूद गई, जैसे सोनी है, MI है, MI तो आप जानते ही हैं, MI तो फ़ोन और ये सब भी बनाता है, लेकिन ये आपको इंडिया में खरीदने में थोड़ा मुश्किल होगा। फिर मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया, ये ओलंपस का टफर कैमरा है, बेसिकली हैमर जैसा लगता है, बड़ा तगड़ा कैमरा है। और सब मिला के काफ़ी सारी कंपनी कूद गई है आप इस मार्केट में, तो आपको सब कंपनी से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपको पैनासोनिक का भी मिल जाएगा। तो और आपको मान लीजिए आपको सस्ता चाहिए या कुछ बस ट्राई करने के लिए सस्ता लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड भी हैं जिनका नाम ही नहीं है लेकिन आपको मिल जाएगा। तो ये सब तो ठीक है, आपको आइडिया समझ में आ गया, GoPro समझ में आ गया, अल्टरनेटिव समझ में आ गया, लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे क्या खरीदना है। इसके डिसाइड करने के लिए आप सिंपल ये देखिए कि दो फैक्टर होता है हर चीज़ में, कॉस्ट और क्वालिटी।
कोई चीज़ जो सस्ता है वो क्वालिटी ज़्यादा नहीं दे पाएगा, जो चीज़ क्वालिटी बहुत दे रहा है वो सस्ता नहीं हो पाएगा। तो जनरली दोनों के बीच में एक बैलेंस किया जाता है कि आपको क्या चाहिए। तो इस बैलेंस को गेस करने के लिए हम आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट ले आ रहे हैं। वो पॉइंट में आप ये देखिए, क्या ये एक्सपीरियंस जो आप करने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आप स्काई डाइविंग करने जा रहे हो, क्या कि आप ये रेगुलरली करते हो, मतलब सालाना एक बार आप छुट्टी में करते हो, या मतलब 10 साल में या बचपन से प्लान बना रहे हो अब जाके करने को मिल रहा है, क्या वो एक्सपीरियंस महंगा है? जैसे मान लीजिए स्काई डाइविंग करने के लिए आपको 60-70 हज़ार देना पड़ रहा है, और या कई लाख भी देने पड़ सकते हैं, और वो रेयर है। मान लीजिए ज़िंदगी में एक ही बार आप करोगे, आपको गारंटी नहीं है कि आप दोबारा कर पाओगे, दोबारा अफोर्ड कर पाओगे, तब आप कैमरा हाईएस्ट क्वालिटी का लीजिए। आप चाहोगे कि उस मोमेंट को आप एकदम अच्छे से कैप्चर कर सकें। दूसरा, क्या आप उससे पैसा बना रहे हैं? जैसे मान लीजिए काफ़ी लोग हैं यूट्यूबर जो उससे पैसा बनाते हैं, तो उस केस में आपको क्वालिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप ऑडियंस को सेल कर रहे हो, ऑडियंस अच्छा क्वालिटी देखना चाहेगा। मैंने काफ़ी इंडियन यूट्यूबर्स का देखा जिनका वीडियो कैम फुल HD है, लेकिन इतना पिक्सेलेटेड आता है, वो हमको लगता है या तो VGA को लेके स्ट्रेच कर रहे हैं या कैमरा वो खुद कर रहा है। बहुत सारे चाइनीज़ कैमरा ऐसा करते हैं, HD लिख देते हैं लेकिन एक्चुअली सेंसर नहीं होता है, तो वो लोग VGA को लेके खींच देते हैं, तो बहुत गंदा आता है। तो अगर आप YouTube पे डालना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये आपका मार्क बने, प्लीज़ क्वालिटी पे थोड़ा खर्च कीजिए। या अगर आप डेली व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये उतना मायने नहीं रखता, आप बीच का कुछ मिडिल रेंज का लीजिए। और अगर बस आप ट्राई करना चाहते हो, आप देखना चाह रहे हो, तो एक चाइनीज़ वाला लेके आप टेस्ट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा करने में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। और ऑलमोस्ट सबका डिज़ाइन शेप एक ही जैसा होता है। लेकिन एक बात आप समझिए, आप कुछ भी करने से पहले ये जान लीजिए कि एक्शन कैम बहुत टूटते हैं। आप कहोगे यार ये टूटते कैसे हैं, मतलब जबकि इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। इसीलिए टूटते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है ना, मतलब थॉर का हैमर नहीं है, वो भी टूट गया था थॉर का हैमर, तो ये सब के बारे में तो सोचना ही नहीं है। आप जैसे बाइक में लगा रहे हो, आपका बाइक भिड़ा, बाइक भिड़ने पर आदमी ऊपर चला जाता है, ये क्या बचा रहेगा? तो वही समझिए कि हम लोग इसको ऐसे ऐसे जगह पर रख रहे हैं कि जहाँ पर उसका डैमेज होना कोई ऑड बात नहीं है। और कई बार जल जाता है, कई बार टूट जाता है, कई बार डूब ही जाता है, तो ऐसा हो सकता है, कॉमन बात है। एक्शन कैमरा ऑन एवरेज अगर आप लीजिएगा तो नॉर्मल कैमरे से ज़्यादा टूटता फूटता है। तो क्या आपके पास उसको लूज़ करने का हिम्मत है? मतलब मान लीजिए आपने 23-40 हज़ार का ले लिया, HD का कैमरा ले लिया, GoPro ले लिया सस्ता वाला, क्या आप उसको खोवा सकते हैं? जैसे मान लिया बाइकिंग में आप गए, रोड ट्रिप पे गए, बाइक में लगा हुआ था, बाहर उतरे गए और कोई कैमरा लेके भाग गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्शन कैम बहुत चोरी होते हैं, एक्शन कैम बहुत टूटते फूटते हैं, और मतलब खो भी सकते हैं। मतलब जैसे आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं, मान लिया आप हाथ पे पकड़ के स्टैंड लेके पकड़े हुए थे, लेकिन मतलब कोई चिड़िया आपसे बिड़ के बैठ गया। तो आपको ऐसा आपके पास होना चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें, उसका चोरी होना, मतलब वो नुकसान ना पड़ जाए, सदमा ना आ जाए आपको। तो ये सब लेके आप अच्छे से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कैमरा आपको ख़रीदना चाहिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने मिला हो या समझने को आया हो। अगर वैसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट लिखिए कि आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे कैमरा ट्यूसडे के में। सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइएगा कि मैं वीडियो डेली बनाता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।